नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। जब बॉस का कोई आदेश होता है कि ये काम आपको करना है, तो अमूमन उस काम को करने के बाद फौरन से बॉस को इतला दी जाती है। यही काम हुआ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ भी। मूसेवाला तब तक दम तोड़ चुके थे और मूसेवाला को गोली मारने वाले शूटरों को तब तक यकीन हो चुका था कि वो अब जिंदा नहीं है। इसी के बाद मौकाए वारदात से भागते हुए शूटरों का सरगना प्रियव्रत फौजी कनाडा में बैठे गोल्डी बरार को फोन करते हैं। फोन पर वो गोल्डी को जो काम वो करके आए होते उसकी खबर देते हैं। खबर सुनते ही गोल्डी बरार भारत में बैठे अपने गुर्गे को ये जानकारी देता है। गोल्डी बरार से मूसेवाले की मौत की खबर सुनने के बाद उनका जो गुर्गा होता है वो सीधे तिहाड़ जेल में फोन लगाता है। उस समय शाम के करीब 5 बजे थे, यानी कि विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर अंदर फोन लगता है तिहाड़ जेल में। तिहाड़ में किया गया ये कॉल लॉरेंस बिश्नोई के लिए था, पर सीधे लॉरेंस बिश्नोई को नहीं किया गया था, बल्कि कॉल तिहाड़ के अंदर किसी और के मोबाइल पर आया था। अब आप सोचिए कि वो नंबर और मोबाइल किसका हो सकता है। आप इसमें दिमाग लगाइए, मैं आगे बढ़ के आपको कुछ और चीजें बताती हूँ। उसने कोडवर्ड में सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की खबर देनी चाहिए, लेकिन न जाने क्यों लॉरेंस उस कोडवर्ड को समझ नहीं पाया। और तब शूटर ने खुल करके मूसेवाला का नाम लेकर के अपनी कामयाबी की पूरी दास्तान बयान कर दी। अब ये चीजें भी सामने आ रही हैं कि किस किस तरीके से बातचीत हुई। हालांकि हमने ये बातचीत नहीं सुनी है, लेकिन जो पुलिस, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस काम में लगी हुई हैं, उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मूसेवाला का मौत का पहला कॉल लॉरेंस का शूटर अज्ञात शख्स से बोलता है। हेलो, बात हो सकती है? अज्ञात शख्स, हाँ बिल्कुल हो सकती है। शूटर, बात करवाना एक बहुत जरूरी बात है। अज्ञात शख्स, एक मिनट रुको। तिहाड़ जेल में जिस शख्स ने फोन उठाया था वो शायद लॉरेंस से थोड़ा दूर था। अक्सर जो मेन गेट ऑफिस होता है उससे अंदर की जो बैरकें होती है उनमें काफ़ी डिस्टेंस होता है, तो लिहाजा वो फ़ोन होल्ड करने के लिए कहता है और इसके बाद कई सेकंड तक फ़ोन खामोश रहता है। फिर अगली आवाज़ लॉरेंस की सुनाई देती है। लॉरेंस से शूटर कह रहा है, अब मैं क्या, स्पीकर ऑन करो। लॉरेंस से शूटर कहता है, मैं क्या, स्पीकर ऑन तय नहीं है। गोल्डन लाइन फोन मेरी गल, यानी कि उन्होंने ये कहा कि आपका स्पीकर ऑन तो नहीं है। शूटर कहता है, सुन बहुत बहुत मुबारक पर आ, भाई सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, यानी कि बहुत बहुत मुबारक, जो काम जैसा आपने सोचा था वैसा हो गया है। लॉरेंस उधर से कहते हैं, हाँ। शूटर फिर बोलता है, और मैं क्या, ज्ञानी चढ़ा देता गड्डी, यानी कि मूसेवाला को ज्ञानी बताया जाता है और उसे गाड़ी पे चढ़ा दिया गया। देखिए कितने कोडवर्ड में बात है। लॉरेंस उधर से कहता है, हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता। शूटर फिर से बोलता है, और ज्ञानी चढ़ा देता गड्डी पे। लॉरेंस बोलता है, की कर देता, मतलब तुमने क्या कर दिया।
शूटर फिर बोलता है अपनी वही बात को दोहराता है, मैं क्या ज्ञानी चढ़ा देता गड्डी, मूसे वाला मार देता। यानी कि वो अपनी बात को फिर एलाबोरेट कर देता है, खोल के खुलासा करके बताता है कि मैंने कहा ज्ञानी को गाड़ी पे चढ़ा दिया है, मूसे वाला को मार दिया है। अब लॉरेंस क्या कहते हैं, मारता ओके काट दो। मारता को पंजाबी में इसी तरीके से बोलते हैं। उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो जाती है और ये जो बातचीत है सिर्फ 1 मिनट और 38 सेकंड की हुई थी, लेकिन यही वो पहली कॉल थी जिसके जरिए लॉरेंस बिश्नोई को मूसेवाले के खात्मे की खबर मिलती है, और वो भी जो है खात्मे के 15 मिनट्स के अंदर अंदर। मूसेवाला के खात्मे के बाद ये पहली बातचीत थी जिसमें फ़ोन करने वाला मूसेवाला की मौत की खबर देने से पहले बाकायदा ये कहता हुआ सुनाई देता है कि लॉरेंस भाई से बात करवाओ। ये ऑडियो इस बात का सबूत है, न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को मूसेवाला की मौत की खबर का इंतज़ार था, बल्कि वो तिहाड़ के अंदर भी लगातार तिहाड़ जेल के अधिकारियों की मेहरबानी से फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। ये ऑडियो इस बात का भी सबूत है कि खबर देने वाला लॉरेंस को किसी और की मौत की खबर नहीं दे रहा था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मूसेवाला की मौत की ही खबर दे रहा था, और यही खबर देने के लिए उसने लॉरेंस को फ़ोन मिलाया था। अब एक और बात भी आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी। अक्सर ये बात होती है कि कैसे जेलों में लोग बात कर लेते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, तो ये सब बातें इधर लॉरेंस बिश्नोई भी पुलिस कस्टडी में है, उधर जो लोग पकड़े गए हैं वो भी कस्टडी में है। अब दोनों की बातें जो है टैली की गई और फ़ोन की कॉल भी देखी गई, सुनी गई। अभी इस मामले में पुलिस का एक काम रह रहा है, वो ये है कि मूसेवाला की जो खबर लॉरेंस तक गई है उसमें जो लॉरेंस बिश्नोई की आवाज़ है उसको मैच करना बाकी है। देखिए पूरे केस में कितनी बारीकी से चीज़ें जांची जा रही हैं, परखी जा रही हैं, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे। और दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले गुल्डी बरार का एक लेटर जो उन्होंने किसी फिल्मी हस्ती को लिखा था कि आप इतना पैसा इतने समय में दे दीजिए, क्योंकि हमारे लॉरेंस बिश्नोई जो हैं उनको पैसे की बहुत ज़रूरत है। मैंने उस दिन भी ये कहा था कि एक बंदा जेल में है, उसको पैसे की क्या ज़रूरत है। और इस समय उस लेटर में ये भी था कि इस समय हालात ठीक नहीं चल रहे और लॉरेंस बिश्नोई को पैसों की ज़रूरत है, तो इस समय वो रिमांड पर है, पुलिस कस्टडी में है, तो वो पैसा किस लिए चाहिए? आप खुद अपना दिमाग दौड़ाइए कि वो पैसा किस लिए चाहिए जो इस समय लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पैसे किसको देने के लिए मांगे जा रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई तो रिमांड पर है ना, और उस चेन में एक दर्जन लोग और चेन में हैं, तो ये पैसा किसके लिए मांगा जा रहा है? फ़ोन जो जेल में करवाए जाते थे तो वो कोई फ्री में नहीं करवाए जाते थे। एक तरफ मूसेवाला के केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जेल के कुछ नामी गिरामी अधिकारी जो हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और खबर के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज इतवार है, अपना इतवार एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।